हेलो स्टूडेंट्स, हम कक्षा 12 में फिजिक्स जिसके अंतर्गत हम अध्याय 3 पढ़ रहे थे और इसमें हमने कुछ टॉपिक चैप्टर 3 के अंतर्गत पहली वीडियो में अपलोड कर दिए गए हैं, जिसके अंतर्गत आज हमारा नया टॉपिक है मुक्त इलेक्ट्रॉनों का माध्यम मुक्त पथ, श्रांतिकाल और अपवाह वेग। ये है क्या, इसे हम एक छोरी के माध्यम से समझेंगे और इस वीडियो को देखें और इसे ध्यान से आप समझें और चाहे तो नोट भी कर सकते हैं। होता क्या है कि जो हमारी धातु होती हैं, धातु के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, धातु के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन धातु के अंतर्गत इस तरह से व्यवहार करते हैं जिस तरह की एक बर्तन में गैस भरी हो, बर्तन में गैस भरी हो, इस कारण से हम धातु जो इलेक्ट्रॉन होते हैं या मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें कभी कभी हम बोल देते हैं इलेक्ट्रॉन गैसेस। अर्थात अगर हम समझें, जो धातु है उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं प्लस धनायन होते हैं, और जो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है अनियमित गति करते रहते हैं, ये अनियमित गति करते हुए इन धनायनों से लगातार टकराएंगे, अनियमित गति करते हुए इन धनायनों से लगातार टकराएंगे। जब ये इन धनायनों से टकराएंगे तो होगा क्या, इनकी जो दिशा है वो लगातार बदलेगी प्रत्येक टक्कर के बाद। अब प्रत्येक टक्कर के बाद जब इनकी दिशा बदल जाती है, अब हम समझते हैं कि हमारा माध्यम मुक्त पथ क्या है। तो किन्हीं दो टक्करों के बीच चली दूरी मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा वो कितनी होगी, माध्य मुक्त पथ। और दो टक्करों के बीच चली गई दूरी और दो टक्करों के बीच, ये किन्हीं दो ना लिखकर हम इन्हें लिखें किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई दूरी माध्यम मुक्त पथ, और दो टक्करों के बीच वही किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच लगा समय हमारा कहलाता है श्रांतिकाल। इसे हम टॉ से प्रदर्शित करते हैं। अब जो ये इलेक्ट्रॉन अनियमित गति करते हैं तो यहाँ एक प्रश्न होता है कि क्या इस अनियमित गति के कारण धातु में विद्युत का चालन होता है, तो इसका उत्तर है नहीं, क्योंकि वैसे तो जो इलेक्ट्रॉनों की अनियमित वेग होता है या अनियमित गति होती है उसका ऑर्डर होता है 10^5 मीटर पर सेकेंड, यानी कि इस ऑर्डर के साथ वो गति करते हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है अनियमित जो वेग होगा उनका वो 10^5 मीटर पर सेकंड का होगा। लेकिन चूंकि बताया है ये लगातार धनायनों से टकराते रहते हैं, और जब ये धनायनों से टकराएंगे तो होता क्या है कि इनकी दिशा लगातार बदल जाती है, और दिशा लगातार बदलती है तो इस कारण से जो इनका औसत वेग है, औसत उसमें वेग कहेंगे, उसमें वेग, ये उसमें वेग क्यों बोला, क्योंकि जब ये इलेक्ट्रॉन धनायनों से टकरा रहे हैं तो टकराने में इनमें एनर्जी लॉस होगा और वो ऊष्मा के रूप में निकलेगा, तो इसलिए इसे उसमें औसत उसमें वेग ये क्या होता है हमारा शून्य, प्रत्येक टक्कर के बाद जीरो हो जाता है। तो इसी कारण से इलेक्ट्रॉनों में अनियमित गति अनियमित गति के कारण धातु में धारा प्रवाह नहीं होता। तो जो धारा का प्रवाह है कौन से गति के कारण होता है, इसके कारण तो नहीं होता, तो उसके लिए हमें पढ़ना है अपवाह वेग। ये अपवाह वेग क्या है, तो ये वेग तो अनियमित वेग होगा या इलेक्ट्रॉनों की अनियमित गति के कारण जो वेग है। अब ये अपवाह वेग क्या है, यदि हम किसी चालक को, मान लो ये हमारे पास एक वायर है और मैं इसे किसी बैटरी से जोड़ देता हूँ, तो इसके सिरों के बीच क्या होगा, एक विभवांतर स्थापित हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इस दिशा में चलना शुरू हो जाएंगे, तो जो ये
विभवांतर है, इस इलेक्ट्रॉन को उच्च विभव से निम्न विभव की ओर एक वेग दे देता है। ये वेग केवल उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। तो ये जो वेग है, ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही हमने इसे बैटरी से जोड़ा तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? त्वरित। लेकिन इनका वेग लगातार नहीं बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन त्वरित होंगे परंतु वेग लगातार नहीं बढ़ता। तो होता क्या है कि जो विभवांतर है इसके कारण इलेक्ट्रॉन एक वेग प्राप्त कर लेते हैं, और जो वेग किधर, जो इलेक्ट्रॉन वेग होता है, जो इनकी दिशा होती है, वो निम्न विभव से उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होती है। तो ये विभवांतर यानी कि बैटरी का विभवांतर, जब किसी चालक को एक ऐसा त्वरित वेग नहीं प्रदान कर पाता, केवल एक निश्चित वेग ही दे पाता है जिसकी दिशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होती है। और ये जो वेग है, इस वेग को हम बोलते हैं अपवाह वेग या अनुगमन, अनुगमन वेग। इसे हम डिनोट करते हैं वीडी से, इसे हम डिनोट करते हैं वीडी से। तो अगर हम इन शॉर्ट लिखें तो ये कह सकते हैं कि जब हम किसी चालक को बैटरी से जोड़ते हैं तो बैटरी के कारण उत्पन्न विभवांतर इन इलेक्ट्रॉनों को एक निश्चित वेग नहीं दे पाता या त्वरित वेग नहीं दे पाता, परंतु वह एक इसे ऐसा वेग प्रोवाइड कराता है जिसकी दिशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होती है। और इस एक दिशीय वेग को, एक दिशा में होने वाले इस वेग को ही हम क्या बोलते हैं? अपवाह वेग या अनुगमन वेग कहते हैं। तो ये परिभाषा। और इस अनुगमन वेग के कारण ही, वीडी के कारण ही धारा का चालन होता है। धारा का चालन इस वीडी के कारण, अनुगमन वेग के कारण ही होता है। इस प्रकार हम माध्यम उत्पत, श्रांतिकाल और अपवाह वेग को समझ सकते हैं। आप चाहें तो इसे इन अपनी थ्योरी में भी लिख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके।